आज की इस वीडियो में हम आपको माल्टे के फ़ायदे के बारे में बताएंगे ताकि आप भी इसका सही इस्तेमाल करके इसके फ़ायदे हासिल कर सकें। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इसका सही इस्तेमाल और फ़ायदे जान सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, सर्दियों के मौसम का सबसे दिलकश, जायकेदार और रसीला फल माल्टा है, जो रंगत में भी दिल को भाता है और जायके में इसका कोई सानी नहीं। माल्टों का मौसम दोबारा आ चुका है। ये रसीला और तुर्श फल बहुत से लोगों का मनपसंद फल है, जिसे खाने के लिए किसी भी वक्त पेट में जगह बनाना बहुत आसान काम है। मगर क्या आपको मालूम है, इसमें 85 कैलोरीज होती हैं और चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम इसमें बिल्कुल नहीं होता। यही वजह है कि इसके मुतअद्दिद तिब्बी फ़ायदे हैं। माल्टे का ताल्लुक तुर्श तबीयत के फलों के ख़ानदान से है, जिसमें किन्नू, लीमू, मौसमी और चकोतरा जैसी खास इकसाम शामिल हैं। माल्टे के फ़ायदे ना सिर्फ खाने से हासिल होते हैं, बल्कि इसके जूस और छिलके बहुत ही कारआमद होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको माल्टे के फ़ायदे के बारे में बताएंगे ताकि आप भी इसका सही इस्तेमाल करके इसके फ़ायदे हासिल कर सकें। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी इसका सही इस्तेमाल और फ़ायदे जान सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही दिलचस्प और मालूमती वीडियोस लेकर आता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसके साथ मौजूद बेल आइकॉन के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ फौरी मिल सकें और आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। हाँ तो दोस्तों, माल्टे में विटामिन सी वाफर मकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, फोलाद, कापर और जस्ट भी शामिल होते हैं। ये सब अज्जा हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। पाकिस्तान में माल्टा की पैदावार बहुत ज़्यादा है। मुल्की ज़रूरियात को पूरी करने के अलावा इस फल को दुनिया भर में बरामद किया जाता है। अब तो माल्टे की बहुत सी नई अकसाम भी मुल्क भर में कामयाबी से काश्त की जाती हैं। माल्टे को वैसे तो हर उम्र के अफराद खा सकते हैं, मगर ख़वातीन के लिए इसका इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। अगर ख़वातीन सिर्फ एक माल्टा पूरे दिन में खाती है तो इससे इसका चेहरा दाग धब्बों, दानों और छाइयों से महफूज रह सकता है, और यही अमल मर्दों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। अगर माल्टे के छिलकों को सुखाकर बाद में इसका पाउडर बना लिया जाए और फिर इसमें पानी डालकर इसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाया जाए तो इससे आपके चेहरे की रंगत साफ हो जाएगी और आपका चेहरा साफ सुथरा, साफ शफाफ हो जाएगा। इसी तरह इस पाउडर को लोग शहद में डालकर इसकी गोलियां बनाकर भी खाते हैं, लेकिन माल्टे को इसकी कुदरती शक्ल और कुदरती जायके में ही खाया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। माल्टे के छिलकों को जर्दा में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जर्दा में बहुत ही आला किस्म की खुशबू पैदा हो जाती है और जर्दा जायकेदार हो जाता है। जिन लोगों की जिल्द ऑयली या चिकनी हो, वो लोग माल्टे के छिलकों का मास्क बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं। इससे साले खून पैदा होता है, जिसकी वजह से चेहरे की जिल और रंगत निखरती चली जाती है। शिद्दत गर्मी में माल्टे का इस्तेमाल हमें गर्मी से तस्कीन देता है और मौसमी शिद्दत से बचाता है। वैसे भी कुदरती निज़ाम के तहत तमाम फल अपने मौसमी तकाजों को पूरा करते हैं। जिस्मानी हिद्दत और गर्मी को कम करने के लिए ये कुदरती टॉनिक है। ये गर्मी और जहरीले मादों को ख़त्म करता है, वहम और वहशत में फ़ायदा देता है, तबीयत में चुस्ती और फर्क पैदा करता है। माल्टा जोद हजम है और हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नेज गजा को हाजमे में मदद फराम करता है। तिब के नुक्ता हिसाब से माल्टा सफरा को कम करता है, और यही वजह है कि सफराही बुखार में बेहद मुफीद है। माल्टे का जूस पीने से तबीयत को तस्कीन मिलती है, दिलो दिमाग को फर्क का एहसास होता है और जिस्म का मुदाफती निज़ाम मजबूत होता है। माल्टे के थोक में भी बहुत से मादनी अज्जा होते हैं, इसके खाने वाले तमाम अज्जा खा लेने चाहिए। इस तरह ये गजाइत पूरी करने के साथ भरपूर फायदा भी फराहम करता है, जो कब्ज के लिए बेहद मुफीद है। इंसानी सेहत के लिए माल्टे के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि तमाम की तफसील फराहम करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर माल्टों के मौसम में रोज़ाना कम अज़ कम 3 माल्टे खा लिए जाएँ
या इनका जूस बनाकर पी लिया जाए तो इसके हमारी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरतब हो सकते हैं। दोस्तों, ये थे माल्टे के फ़वाद और इसका सही इस्तेमाल। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपनी कीमती राय से कमेंट में ज़रूर नवाजिएगा। इस वीडियो को अपने रिलेटिव और दीगर अहबाब को फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी माल्टे के सही फ़ायद और इस्तेमाल को जान सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।